सर आपका ऑर्डर। थैंक यू। कितना हो गया दोस्त? 250 सर। 250। लाओ QR कोड दिखाना। एक सेकेंड, ये लड़की कौन है? मेरी वाइफ है सर। पक्का तेरी वाइफ है? झूठ तो नहीं बोल रहा? आपसे क्यों मजाक करूंगा सर, मेरी वाइफ। क्या नाम है इसका वैसे? पूजा नाम है। पूजा कहाँ है अभी? अभी कुछ दिन से मायके गई हुई, 8-10 दिन से। अभी आ जाएगी 2-4 दिन में। मायके? आओ जरा अंदर आओ दोस्तों। क्यों सर, क्या हुआ, कुछ बात हो गई? नहीं नहीं बात नहीं हो गई। अब इतनी धूप है बाहर, इतनी मेहनत कर रहे हो, एक गिलास पानी डिजर्व करते हो ना। जी सर। आ जाओ दोस्त। पूजा मेरा वीजा आ गया। पूजा तुम जानती हो इसे? नहीं तो। अरे पूजा झूठ क्यों बोल रही हो, तुम जानती नहीं मुझे? पूजा सच क्या है? हाँ मैं आपको बताने भूल गई, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। क्या दोस्त तू? सर ये लड़की झूठ बोल रही है। मैंने आपको बताया था ना जिस लड़की के बारे में, पूजा, यही तो है वो, मेरी वाइफ। पूजा तुम इसकी वाइफ हो? नहीं नहीं श्याम, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसकी कोई बीवी नहीं हूँ। इन लोगों का तो काम ही यही होता है, 2 कौड़े का डिलीवरी बॉय, बड़े बड़े घर देखते हैं और फिर ये लोग तो क्या करते हैं, रिश्ता तोड़वाते हैं ताकि लोगों का फायदा हो। बस करो पूजा, तुमने मुझे पागल समझा हुआ है क्या? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम कोई भी कहानी सुनाओगी और मैं मार लूंगा। अबे ये लड़का मुझे जानता भी नहीं है, इसे क्या पता कि मेरे घर में कौन लड़की रह रही है और मैं किसके साथ हूँ। तो ये झूठी कहानी बनाएगा और इतने सारे घरों में इसे मेरा ही घर मिला था ये बताने के लिए कि तुम इसकी बीवी हो। और अगर तुम इसकी बीवी नहीं भी हो तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता कैसे है फिर? सच बताओ वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं प्लीज पुलिस को मत बुलाना, मैं सब सच बताती हूँ। एक्चुअली श्याम ये मेरा पति ही है, मैं तुमसे कुछ झूठ नहीं बोलना चाहती थी पर क्या करती, मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत छोटी उम्र में जबरदस्ती इससे शादी करवा दी थी। मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करती और इसकी तो औकात भी नहीं है कि मेरे सपने पूरे कर सके। मेरे माँ बाप ने इसकी अच्छी नौकरी देख के मेरी शादी करवा दी, लेकिन कोविड के बाद ये तो फटीचर बन गया, एक डिलीवरी बॉय, लोगों के घर में जाके खाना डिलीवरी करता है। अब तुम ही बताओ मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ, मेरा इसका कोई स्टैंडर्ड है? कोई मैच ही नहीं है। मेरा स्टैंडर्ड तो तुमसे मैच होता है, तुम्हें मैं एकदम परफेक्ट है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। मैं बहुत जल्दी इसको डिवोर्स दे दूंगी, मैं और ये बवाल नहीं झेल सकती। चुप, बहुत हो गया तुम्हारा, मैंने तुमसे ज्यादा घटिया लड़की अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। अरे तुम पहले से शादीशुदा हो उसके बाद भी तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, मेरे साथ मेरे घर में रह रही हो। अरे आज इस बेचारे के पास पैसे नहीं है तो तुमने इसे छोड़ दिया जबकि वो तुम्हारा पति है, तो क्या भरोसा कल को मेरे पास पैसे नहीं रहे तो तुम मेरी सगी होगी। तुम जैसी लड़की सिर्फ पैसों की सगी हो सकती है, किसी इंसान की नहीं। आज के बाद अगर तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा। पति बदलना छोड़ो, तुम कपड़े बदलने लायक नहीं बचोगी। अपना सामान उठाओ तो निकलो यहाँ से। कनिष्क अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, देखो मैंने शाम को भी छोड़ दिया, आज के बाद से सब अच्छा हो जाएगा। अरे बस करो पूजा, तुमने शाम को नहीं छोड़ा, शाम ने तुम्हें छोड़ा है। अभी तक तो तुम शाम के लिए मुझे छोड़ रही थी और आज जब शाम ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मेरे पास आ रही हो। मैं तो 2 कौड़ी का डिलीवरी बॉय हूं ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे साथ तुम्हें घुटन होती है ना। जाओ अब तुम्हें मैं आजाद करता हूं, मैं तुम्हें तलाक के पेपर बहुत जल्दी दे दूंगा, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं।